चलिए अब हम बात करते हैं बलिया के लोकसभा क्षेत्र की। अभी भाजपा के सांसद हैं बीरेंद्र सिंह मस्त जी, इसके पहले भी भाजपा के ही सांसद थे, लेकिन राज्यसभा से भी हमारे सांसद हैं भाजपा के, दो दो विधायक और मंत्री हैं बलिया के, बलिया नगर से भी विधायक हैं और सतना से भी। लेकिन इतने विधायक और मंत्री और सांसद होने के बावजूद अगर बलिया इतनी गंदी है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? नगर निगम है, चूँकि टाउन एरिया है तो अध्यक्ष भी होता है बलिया का, तो पूरा का पूरा तंत्र ही भाजपा का है, फिर भी बलिया इतनी गंदी क्यों? ये एक सोचने का विषय है। आप बलिया में जाएं, देखें क्या स्थिति है। सड़कों में पानी लपालप भरा है, एक तरफ का रास्ता बंद करके दूसरे तरफ से ट्रैफिक चल रही है, नाले पटे पड़े हैं, गंदगी का ढेर चारों तरफ फैला हुआ है। और जो पूरा तंत्र भाजपा का है, वो आँख बंद करके सो रहा है, बड़े बड़े गाड़ियों में चलता है, फॉर्चूनर पे चलता है, उसे तो सड़क और सड़क पर चलने वाले लोग दोनों में से कोई नहीं दिखता है, नहीं तो शायद एक आम बलिया का नागरिक, बलिया का नौजवान, बलिया का गरीब बलिया की इस गंदगी से परेशान भी है, हैरान भी है और कहीं ना कहीं मजबूर भी है। नमस्कार।